ये करण है और इसे अभी बनाएंगे, वो करण रिसेप है स्पेशली, यहाँ पर ये बन रहे हैं। तो ये भाई बना रहे हैं अभी करण, ये मशीन लगा हुआ है अपने, छोटा सा मशीन है ये, उसमें घी डाल दिया भाई ने करण के अंदर, और ये अभी उसने नमक डाल दिया। सो दिस इज़ वेरी ईजी फॉर कुकिंग नाउ, ये आप देख रहे हैं जी। ये जो भाई है इसमें मशीन में डालेंगे ये करण, थोड़े से दाने हैं अभी, आप इसको देखेंगे कि कैसे उससे वो करण बन रहे हैं, कैसे कुक हो रहे हैं, कुकिंग कैसे कर रहे हैं। लेट्स गो टू सी। हाँ हाँ, ये भाई ने मशीन के अंदर डाल दिया, नीचे से आग लगा हुआ है, छोटा सा चूल्हा है ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये अभी गर्म नहीं है, तो अभी थोड़ी देर बाद जो है ये उससे जो है ना ये करण गर्म हो जाएंगे, तो ये बाहर निकाल जाएंगे, आपको देखेंगे उसको थोड़ी देर बाद जी। जी व्यूवर्स, ये छोटा सा मशीन है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, और ये भाई ने यहाँ पर ला के खड़ा किया, तकरीबन मैक्सिमम आई थिंक ये 15-16 हज़ार का इधर बनता मिलता है, तो बहुत ईजी है। और आप इसको देख रहे हैं कि कैसे बन रहे हैं ये करण, कैसे कुकिंग हो रही है उसकी, ये आप नज़र आ रहे हैं आपको। साथ ही साथ प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए, और साथ ही साथ जो है ये हमारे वीडियो को जो है ये आप देख रहे हैं अभी जी। हाँ वाव, ज़बरदस्त। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड सो ईजी, आप घर में भी बना सकते हैं जैसा कि मैंने तरीका बताया आपको। थोड़ा सा करण ले ले, उसमें नमक डाल दे और घी डाल दे, और एक पतीले एक दिचकी में डाल के ना उसके नीचे से थोड़ा सा वो जो है चूल्हा आग लगाए जैसा कि ये लगा हुआ है। बिल्कुल जी, ये बन रहे हैं, ये था करण बनाने का तरीका, जो आप घर में भी विदाउट मशीन के बगैर भी बना सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इतना ही, दीजिए अपने भाई को इजाज़त, आप जहाँ भी रहें खुश रहें और अपना ख्याल रखिएगा, और स्पेशली उन लोगों का ख्याल रखिए जो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।